दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग गणित का टेस्ट पेपर लगा रहे हैं। दोस्तों स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और मैं आप लोगों को सोल्यूशन कराऊंगा। तो डेली हम लोग टेस्ट पेपर लेके आने वाले हैं, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो चलिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? यानी एक ऐसी संख्या है जो कंप्लीट तरीके से 9361 को कंप्लीट विभाजित करेगी। ऑप्शन ए दिया है 19, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 11। तो देखना, ये ऑप्शन मैं लिख देता हूं, वैसे भी ऑप्शन लिखे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को इस सवाल को कराता हूं। एक संख्या ऐसी है जिसको कंप्लीट डिवाइड करेगी। दोस्तों आप लोगों को मैंने विभाज्यता का नियम पढ़ाया था क्लास में, तो आप लोगों को विभाज्यता का नियम लगाना है। देखिए ऑप्शन में 11 लिखा है, हमने पढ़ा है 11 का विभाज्यता का नियम, सम संख्याओं और विषम संख्याओं का जो योग है उनका आपस में अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। देखेंगे 9 और 6 को जोड़ूंगा तो 15, 3 और 1 4, इनके बीच में अंतर निकालेगा तो 15 4 11, जो कि 11 का क्या है, बिल्कुल 11 का विभाजक भी है, यानी 11 का मल्टीपल है, या यहाँ पे क्या आना था 0, तो भी वो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 11 से। तो 9361 किससे विभाजित हो रही है, 11 से। 11 हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सवाल नंबर सेकंड, तो प्रश्न एक का आंसर आप सभी लोगों को पता हो गया, ऑप्शन कौन सा होगा, डी, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है डी 11, ये आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर दो देखेंगे, प्रश्न नंबर दो स्क्रीन पे लग गया है। प्रश्न नंबर दो लिखा है 100 तथा 300 के मध्य, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या है 7 से विभाजित होती है? दोस्तों 7 से विभाजित होने की बात कह रहा है, तो देखना हम लोग क्या करेंगे। अब 100 से 300 के बीच निकालना है, तो 100 के बाद देखो कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित हो रही है, तो 100 के बाद 101 नहीं होती विभाजित, 102 ये भी 7 से विभाजित नहीं होगी, तो 105 भी 7 से डिविजिबल है, यानी वो संख्या कौन सी होगी, प्रथम संख्या 105 और अंतिम संख्या की बात करेंगे तो 294। ये 7 चौके 28, 1 बचेगा 7 दूनी 14, यानी दो संख्या मुझे मिल गई, 105 ये प्रथम संख्या हो गई और 294 अंतिम संख्या। इस प्रकार से अब मुझे इस सवाल को सॉल्व करना, तो क्या करूंगा मैं, पहली अंतिम संख्या से पहली संख्या का घटा लूंगा, यानी 294 माइनस 105 बटे। अब क्या करना आप लोगों को, ये करने के बाद हमको 7 से विभाजित करने को बोला है, तो 7 से विभाजित करेंगे और 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 7 से विभाजित करेंगे और 1 जोड़ेंगे। अब ये आपको पता नहीं 7 क्या है, सर्वांतर है, क्योंकि 7 से विभाजित होने को बोला है, तो ये डिविजिबल वाली वैल्यू है। अब क्या करेंगे, जब 294 से 105 घटाएंगे, तो चलिए हम घटाते हैं, यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8 और 8 जैसा का तैसा, 2 में से 1 जाएगा 1, 189/4, 7 + 1। सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 × 2 = 14, 4 = 77, 49 + 1 यानी 28। जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28। क्लियर है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीन पे लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, सभी लोग समझेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को। 3 × 1/3 में कितने 1/6 हैं, ठीक है, कितने 1/6, सिंपल है दोस्तों, पहली चीज हम इसको सरल कर लेंगे, तो 3 का 3 से गुणा हुआ तो 9 और 1 जुड़ेगा तो जाएगा 10, 10/3। अब मेरे से पूछा है कि इस 10/3 में कितने 1/6 है, तो क्या करूंगा मैं, सिंपल है, मुझे जब 1/6 निकालना है तो क्या करूंगा, 1/6 का भाग दूंगा, जब भाग दूंगा तो 10/3 वैल्यू पलट जाएगी, तो 6 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 हो जाएगा, यानी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। कितने हैं 1/6, 20 हैं। तो ये जो ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी,
जो कि करेक्ट है आंसर होगा। बहुत ही सिंपल और कहना चाहिए सरल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अनंत तक, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना। सिंपल है, तरीका मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कोई प्लस वाला सवाल आएगा तो मुझे क्या करना है, 72 को 2 मल्टीप्लाई या 2 मल्टीपल में, 2 गुणनखंड में तोड़ना है। तो देखना ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। अगर मैं इसे 8 मल्टीप्लाई 9 में तोड़ूंगा तो बिल्कुल टूट रहा है, 8 9 72 होता है, और इनके बीच में आपस में जो अंतर वो भी क्या है, 1 है, यानी ये सही है। अब लेकिन आंसर क्या होगा, समझना, प्लस वाला सवाल है इसलिए बड़ी संख्या क्या कहला जाएगी, आंसर। अगर यही सवाल माइनस में होता उस सवाल का आंसर कहला जाता 8। लेकिन देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन सी में जो 9 लिखा है, ये क्वेश्चन का क्या कहला जाएगा, आंसर कहला जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि गणित सभ्यता का दर्पण है या किसने कहा। ऑप्शन ए है लॉक, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हागबेन, ऑप्शन डी दिया है डॉल्टन। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या आएगा इसका। हागबेन आएगा इसका, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी नंबर में जो हागबेन दिया हुआ है इसका ये होगा करेक्ट। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर। किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्रों के अनुसार है, तो शिक्षा तथा यात्रा का खर्च अंतर 4,000 है, तो परिवार की कुल आयु कितने, हाँ सॉरी, परिवार की कुल आय कितनी होगी। देखेंगे एक यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना करके समझाता हूँ इसमें किस प्रकार से चीजें दी गई हैं। ये डायग्राम है, यहाँ पर शिक्षा है, और इन शिक्षा में जो खर्च किया गया है वो 25% किया गया है। यहाँ पर भोजन, और भोजन में जो खर्च किया गया है वो 20% किया गया है। यात्रा, यात्रा पर जो है 15% खर्च किया गया है। बचत, बचत पर जो खर्च किया गया है वो 20% की हुई है। और यहाँ पर मकान किराया, तो मकान किराया में जो खर्च किया गया है वो किया गया है 20%। क्लियर है? इस प्रकार से 20, 40, 60, 80, 90, एक टोटल हो गया 100%। सवाल में कहा कि शिक्षा तथा यात्रा का जो खर्च का अंतर है वो 4,000 है, यानी शिक्षा का अंतर कितना 25% माइनस, और जो यात्रा वो कितना 15%। इनका जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है 4,000, यानी अंतर कितना का दिया, 10% का 4,000 रुपए। समझ में आया सभी लोगों को? तो मुझे 100% निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, 4,000 बटे 10 मल्टीप्लाई में 100%। अब क्या करोगे आप लोग, यहां से एक जीरो कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 40,000 रुपए। यही है उस परिवार की आय, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल सभी लोगों को समझ में आया होगा। सवाल में पूछा था कि परिवार की जो, या जो फैमिली है उसकी आय कितनी पूछा था, आय, तो हमने आय को निकाल लिया, आय कितनी उनकी, 40,000।